हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे पेपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद फ्रेंड आप लोग को कोई भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको पेपल अकाउंट में केवाईसी करना पड़ता है, तभी आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं पेपल अकाउंट के अंदर। जब तक आप केवाईसी अपने वॉलेट अकाउंट पे कंप्लीट नहीं करते फ्रेंड, तो आप कोई भी पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकते और सेंड भी नहीं कर सकते पेपल अकाउंट के अंदर। तो गाइस हम यहाँ पर दिखाएंगे आप लोग को पेपल अकाउंट के अंदर केवाईसी का ऑप्शन, जहाँ से आप लोग केवाईसी करने के बाद आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल से पेमेंट रिसीव करना हो या फिर किसी फ्रेंड या फिर किसी दूसरे पेपल अकाउंट में सेंड करना हो, तो आपको सबसे पहले उसके लिए पेपल में अकाउंट में केवाईसी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम दिखाएंगे वहाँ से आप लोग कैसे केवाईसी करना है। यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पर मेनू बार में क्लिक करें तो कहीं भी केवाईसी का आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कहाँ से आप कैसे उस ऑप्शन को फाइंड करेंगे और केवाईसी कंप्लीट करेंगे अपने पेपल अकाउंट पर। फ्रेंड यहाँ चलते हम बैंक, देन आपको नीचे की ओर आना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ से लिंक कर लेना है। अगर आपने लिंक करके रखा तो और भी अच्छी बात है, अगर आपने नहीं करके रखा तो एटीएम कार्ड आप लिंक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर नहीं भी कर सकते, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको लिंक करना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पेटीएम बैंक को लिंक करके रखा हूँ, तो आपको कर लेना है। उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करने के लिए फिर यहाँ पे आना, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प, दूसरा मिल जाएगा कॉन्टैक्ट और तीसरा मिल जाएगा सिक्योरिटी का। तो आपको सबसे पहले विजिट करना है यहाँ पर हेल्प के ऊपर। जैसे पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं पेपल के, यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन जो भी रिक्वायर्ड होते, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा सर्च कॉमन क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है केवाईसी। जैसे आप यहाँ पर केवाईसी लिखेंगे और सर्च के ऊपर फ्रेंड आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड चैनल में अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको केवाईसी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे ऑप्शन या फिर लिंक देखने को नहीं मिलेगा पेपल का, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे आपको फिर से एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोबारा। जैसे आप दोबारा उस हेल्प सेंटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर से जो आपका पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा और फिर से आपको एक सर्च का आइकन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फाइंड करना है केवाईसी लिखकर, तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे केवाईसी, उसके बाद फ्रेंड आपको जैसे केवाईसी के ऊपर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ सर्च रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ टू रिजल्ट फॉर केवाईसी, तो ठीक है यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे रिजल्ट देंगे केवाईसी रिलेटेड। तो सबसे फास्ट वाले यहाँ पे लिखा व्हाट आर द स्टेप्स टू वेरीफाई माई अकाउंट, तो फास्ट वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज आपका फिर से रिडायरेक्ट होगा आपके अकाउंट के अंदर, कुछ देर आपको वेट करना है। यहाँ से फ्रेंड कुछ देर आपको वेट कर लेना, जैसे आपको वेट कंप्लीट होता है फ्रेंड यहाँ पे पेज आपको फिर से रिडायरेक्ट करके इस पेज पे आप पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कंफर्म योर ईमेल रजिस्टर विद पेपल अकाउंट, इस तरह के जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ कंफर्म योर ईमेल रजिस्टर विद पेपल, सेकंड ऑप्शन में लिखा कंप्लीट द आइडेंटिटी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस टाइप, ठीक है। तो आपको इस सेकंड वाले यहाँ पे डॉट वाले कंफर्म की इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप इस वाले लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पेज आपको फिर से रिडायरेक्ट करके डायरेक्टली आपका जो पेपल अकाउंट है उसके अंदर ले आएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट केवाईसी, नीचे लिखा लर्न मोर, यहाँ पे लिखा कंप्लीट योर केवाईसी, ठीक है। यहाँ पे मेनू मिल जाएगा, यहाँ पे माई पेपल मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कंप्लीट केवाईसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि जो केवाईसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो उसे सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पर तीन चीज़ें आप पढ़ सकते हो, या फिर नीचे आएंगे गेट स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जब तक आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट रिसीव भी नहीं कर सकते और कहीं पेपल टू पेपल सेंड भी नहीं कर सकते। तो फिर आप जो पेपल के अंदर केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, तो बैंक अकाउंट जैसे आपका लिंक होगा पेपल के अंदर तो यहाँ ग्रीन टिक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा प्रपोज कोड, ये होता है जब आप किसी इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफ़र करते हो बिजनेस टाइप जो भी, वो परपोज कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ये मैंने बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे फिर सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद जो भी आपका डिटेल होगा वो पेपल की ओर से वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो आपका अकाउंट का केवाईसी है फ्रेंड उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपका पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है, और पैन कार्ड में जो भी एड्रेस है जो भी नाम है वो मैच करना चाहिए आपको पेपल अकाउंट के अंदर, तभी आपका पेपल का केवाईसी होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप कोई भी पेमेंट कोई भी काम पेपल के अंदर नहीं करेंगे जब तक आपका पेपल में केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। तो केवाईसी आपको कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, आपको सिर्फ नाम मैच करना चाहिए और जो पैन कार्ड में एड्रेस है फ्रेंड वो भी एड्रेस आपको मैच करना है, तभी आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। इस दोनों चीज़ को आपको देख लेना पेपल के अंदर, उसके बाद ही आपको लिंक करना है। यहाँ पे सिंपल आपको सारे नाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस टाइप करेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद
24 आवर के अंदर आपका पेपल की ओर से मेल मिल जाएगा, मेल के जो आपका KYC है वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।